चाषी दिल्ली चलो अभियान दुई दिन बंद रही जे आंदोलनकारी सन्देहजनक मृत्यु पर आंदोलन को दुई दिन बंद रखी कि हरियाणा खनौरी सीमार आंदोलन चलता बेले पुलिस आक्रमण शिकार होते मृत चाषी शुभकरण सिंह। सर्वभारती किसान संगठन कही पुलिस कार्यानुष्ठान बेले शुभकरण मृत्यु होती तेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपेक्षा कर सरकार दे प्रस्ताव को चाषी संगठन खारज करने दिल्ली चलो अभियान को जोरदार कर दिल्ली को लग रही पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमार विपज्जनक बारिकेड व्यवस्था कर चाषी को अटकवा चेषा कर पुलिस पंजाब हरियाणा सीमार हजार हजार चाषी दिल्ली अभिमुखे बाहरी बेले पुलिस से लुहा बुहा बाष्प प्रयोग पंजाब हरियाणा शंभु सीमार चाषी मैंने जेसीबी ट्राक्टर भली हेवी मशीन धरी प्रवेश करने को उद्यम करुलिस टीयर गैस माड़ कर कि चाषी को सुरक्षाकर्मी लाठी माड़ कर अभोग चाषी कहवा कथा से दिल्ली जा शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे सेमी पूरण सरकार को नवेदन करेंगे किंतु से दिल्ली जावाक अनुमति दि जाऊना शांतिपूर्ण आंदोलन संविधान भारत नागरिक को अनुमति देता बेले से चाषी को वंचित करने को सरकार किए बोली प्रश्न कर चतुर्थ पर्याय आलोचना पर सरकार देखा प्रस्ताव को चाषी संगठन खारज करते हैं आउ छह मास समस्त प्रकार अत्यावश्यक सामग्री धरी दिल्ली अभिमुखे बाहरी तेरे यारी भितर जे आंदोलनरत चाषी मृत्यु हो प्रति जीवन मूल्यवान मनीष हो कि कुकुर विपदर थे सुरक्षापी समस्ते हाथ मिलाइवा दरकार बोभिलियारू सामना को आसी एमती एक सुंदर दृश्य ओरपोजा हुरिया नदी में फसी जाता एक कुकुर को रक्षा कर किसी कर्मचारी जार दृश्य एवं सोशल मीडिया भाइराल हो नदी में बन्या पानी प्रवाहित होता बेले कुकुरटी मझी नदी भितर फसी जाता सेठे बाहर अन्य कौन उपाय नपाई सेठे सा भोगवा आरंभ कला दीर्घ समय पर सेठे कंस्ट्रक्शन काम करुवा किसी कर्मचारी नजर को यह आसला तेरे तुरंत निज पाखे सरंजाम धरी नदीकूल में पहुंची समस्ते एकजुट हो कुकुर उद्धार करिवारे लागि पड़िले समस्त मिलित प्रयास सफल है कुकुर उद्धार हो कूल को फेरला वर्तमान बोलिभिया ओरकोजा हुरिया नदी समेत अनेक नदी में आसी भयंकर बन्या फल जनजीवन प्रभावित होनेक स्थान में भूस्खलन फल लोके बहु असुविधार सम्मुखीन होती घर द्वार भांगी जाता बेले लोके जीवन रक्षा करने को रिलीफ सेंटर आश्रय नहीं समय कंस्ट्रक्शन कर्मचारी द्वारा कुकुर को रक्षा करार प्रयास विभिन्न महल में उच्च प्रशंसा उत्तर प्रदेश में इंडिया मेंटर डील फाइनल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मध्य आसन बुझामणा प्राय फाइनाल हो जाता बेले वर्तमान केवल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनुमोदन को अपेक्षा रही उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा आसन मधु समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 आसन छाड़ कांग्रेस 19 आसन चाहूबा बेले 17 संतुष्ट होता जमापड़ी और 62 आसन में प्रार्थी देव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया मेंटर अन्यतम सहयोगी चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी को बाकी गोटे आसन में लड़ मेंट स्वार्थ को नजर रखी दुई दल यह बुझाण में उपनीत होता बेले किसी आसन में किटा पर सीतापुर हथरस आसन में दुई पांचटी अदल बदल करती वाराणसी प्रार्थी देवनी समाजवादी पार्टी सेठे प्रधानमंत्री विरोध में प्रार्थी देव कांग्रेस श्रावस्ती आसन बदल में समाजवादी पार्टी बुलंदसहर कि मथुरा आसन पाई मुरादाबाद में 2019 एसपी प्रार्थी विजयी होइथिबारु एथर सेठी प्रार्थी देवनी कांग्रेस राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता बेले गत सप्ताह एसपी मुख्य अखिलेश सिंह यादव हाव भाव लगुला हेत तो कांग्रेस और एसपी मध्य बुझामणा हो न पारे कांग्रेस को 15 आसन अफर करते अखिलेश जिते दूर आशा गुरुवार अपराह्न दुई दल एने औपचारिक घोषणा कर सामरिक विभाग में नर्स जने महिला चाकरी छटे एवं सरकार महंगा पड़ी चाकरी बहिष्कार होता महिला नर्स सेलिना जन को 60 लाख टंका क्षतिपूरण देवा केन्द्र सरकार को निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट सबुठ आश्चर्य कथा जो कारण नर्स सेलिना को चाकरी बहिष्कार करने कथा 1988 सेलिना बहुत करने कारण चाकरी बहिष्कार कर दिया से लेफ्टनांट पदर थे एवं मामलार शुणी कर सुप्रीमकोर्ट केवल 60 लाख टंका क्षतिपूरण निर्देश देना बर सामरिक विभाग में थी व्यवस्था को नहीं गभर चिंता प्रकट कर 1988 चाकरी बहिष्कार पर 2012 आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्युनाल अभियोग करते सेलिना
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଆସିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଗଗନାୟନ ମିଶନ, ହ୍ୟୁମାନ ରେଟିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ। କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ CE-20ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, LMV-3 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି CE-20। ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ CE-20ର ସପ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରୋର ପ୍ରପଲସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷଣ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଶକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବ ଭାରତ। ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେଲେ ଭାରତ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର। ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା, ଚୀନ ପଠାଇଛନ୍ତି ମଣିଷ। 300 କିଲୋମିଟର ଉପରେ 3 ଦିନ ରହିବେ 3 ମହାକାଶଚାରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ପଠାଇବ ଭାରତ। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଖରା। ରାଜ୍ୟରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା 15 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାତି ସର୍ବାଧିକ 36.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 36 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିଭଳି ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ତାତି 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଶଙ୍କା କରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜନସଚେତନତା, ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଣି ପାଇପ୍ ଏବଂ ନଳକୂଅ ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସକାଳେ ଖୋଲିବ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଔଷଧ, ସାଲାଇନ୍, ଓଆର୍ଏସ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ବୋକା ବନୁନାହାନ୍ତି ତ? ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉନାହାନ୍ତି ତ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ର 2 ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏରେ କେମିତି 4 ଯୁବକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଳି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକ, ବଧିର ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। 4 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୁଲିସ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ 2 ଯୁବକ ମୁକ, ବଧିର ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଥାନାର ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୁଲିସ୍। ଏହାପରେ ପୁଲିସ୍ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଯୁବକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆଉ 2 ସାଥୀ ସହରର ଟାଟା ବେଞ୍ଚ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ପୁଣି ଆଉ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଏହି 4 ଯୁବକ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳର ଅଜୟ କୁମାର, ଅନିଲ କୁମାର, ମିରୋ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତ କୁମାର। ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ପୁଲିସ୍ ଏହି 4 ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ରାସୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ବଜାର, ଏଠାରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରୋଗୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପରେ ସେ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନର୍ସ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନର୍ସ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଡାକ୍ତର ଆସିବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଡାକ୍ତର ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ 2017 ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ସହାୟତାରେ 15 ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 51 ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଖୋଲିବା ସହିତ 11 ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସମୁଦାୟ 66 ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଚ୍ଛେଦ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଥଇଥାନ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ଥଇଥାନ ନେଇ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଦେଲେ ଆସନ୍ତା 26 ପୁରୀ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଥଇଥାନ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି। ବଳିତା, ସିନ୍ଦୁର, ଖେଳଣା, ମୂର୍ତ୍ତି ବିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା
क्षुद्र व्यवसायी मानंकु बड़दांड ओ मंदिर चारि पाखरु हटाई देई प्रशासन अत्याचार करिबा अभियोग होईछि। जदि प्रशासन न सुने तबे 26 रे पूरी बंद एवं आवश्यक पड़िले 27 तारीख रे बड़दांड रे समस्त व्यवसायी बसी रहिबो बोली कहिछि व्यवसायी संघ। छात्र छात्री और शिक्षक पाइले मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार। बौद्ध जिले में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार बौद्ध सहर कचेरी पड़िया अनुषित हो कार्यक्रम में मंत्री प्रदीप कुमार अमात जोगद बेले सम्मानित अतिथि भाव कंटामाल विधायक महेन्द्र राणा जोगद कार्यक्रम में जिलार समस्त स्कूल कलेज मेधावी छात्र छात्री और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने शिक्षकों पुरस्कृत कर जिलार मोट 9 जन एलिमेंटारी और सेकेंडारी प्रत्येक विभाग 9 जन शिक्षक शिक्षयित्री पुरस्कार प्रदान कर 482 जन कृति छात्र छात्री को पुरस्कार दिया तीनोटी विद्यालय परिचालना कमिटी पुरस्कार तीनोटी आलुमिनी पुरस्कार चारोटी प्रधान शिक्षक पुरस्कार दुईटी पंचायत को पुरस्कार दिया जाए छी। मोट जिले में 512 जन शिक्षक और छात्र छात्री को पुरस्कृत कर जाजपुर जिला कोरेई ब्लॉक अंतर्गत धनेश्वर पंचायत में आम ओडिशा नवीन ओडिशा पंचायत स्तरीय सचेतनता कार्यक्रम उद्यापित हो कोरेई ब्लॉक वीडियो अशोक कुमार माझी नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम में कोरेई विधायक अशोक कुमार बल जोगद सभार ओडिशा सरकार करमूलक कार्य संपर्क में आलोकपात करते पंचायत में राशन पाई हिताधिकारी मधुबाबू पेंशन योजना अंतर्भुक्त हिताधिकारी और समस्त राज्य सरकार योजन अंतर्भुक्त जनसाधारण को एक कार्यक्रम संपर्क में अवगत कराई कार्यक्रम को कोरेई वीडियो अशोक कुमार माझी ब्लॉक अध्यक्षा जयंती दलई उपाध्यक्ष प्रफुल्ल दासों समेत प्रशासनिक अधिकारी और ब्लॉक कर्मचारी उपस्थित थे। केन्दुझर जिलावासी दीर्घ दिन दावी पूरण होन्दुझर सीधासख नूआदिल्ली को गड़ब एक्सप्रेस ट्रेन इन सूचना देखते रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव केन्दुझर सदर विधायक मोहन चरण माझी नूआदिल्ली में रेलमंत्री को भेटी लोकों दावी संपर्क में अवगत करते आसंता मार्च 5 तारीख सुधा केन्दुझरगढ़ स्टेसन नूआदिल्ली को प्रथम ट्रेन गड़बी विधायक मोहन चरण माझी एवं केन्दुझरगढ़ स्टेसन सीधासख नूआदिल्ली ट्रेन चलने से समस्या मुक्ति मिल। कोरापुट जिला दमनजोड़ी मरीचमाल गांव में सफल हो पारानी पुलिस सभा नाल्को द्वारा प्रस्तावित कन्भेयर करिडर निर्माण पर गां जमी आवश्यक जगू राज्य सरकार इटको संस्था मध्यम जमी अधिग्रहण करने पुलिस सभा प्रस्ताव दिया जाएगा। पुलिस सभा मध्यम जमी मालिक मैंने मत रखा सहित जिला प्रशासन नाल्को इटको कर्तृपक्ष उपस्थित जमी अधिग्रहण करेंगे कार्यक्रम रही पुलिस सभार अंचलवासी समेत जनप्रतिनिधि उपस्थित रही बेले नाल्को इटको कि जिला प्रशासन तरफ कौन उच्च पदस्थ अधिकारी आसी नथिले। शांति श्रृंखला सहकारे पुलिस सभा करी जमी हस्तांतर करने प्रस्ताव दे सभार अनुपस्थित रहा अंचलवासी असंतोष प्रकाश करते पटांगी नाल्को 18 किलोमीटर बेल्ट मध्यम नाल्को को कंचामाल आसवे सात खंड गांव जमी जीव तेरे नाल्को को कंचामाल आसू किंतु जमीर उचित मूल्य मिलू अंचलवासी। पुरी पौर संस्था को शववाहक जड़े दाता दान कले स्वर्गरथ तेरे स्वर्गत तिलोत्तमा नंदों स्मृति में पुत्र अवसर प्राप्त आईएएस डॉक्टर संदीप कुमार नंद झील नीलिमा कर इलिमा कर और डॉक्टर सिलिमा नंद मिलित तो भाव एक स्वर्गरथ स्वर्गद्वार ट्रस्ट को दान कर। राज्य विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अशोक चंद्र पंडा पुरी जिलापाल विजय दास राज्यसभा सदस्य सुभाष सिंह खुंडिया उपस्थित में समग्र पूरीवासी सेवा उद्देश्य यह हस्तांतर कर स्वर्गद्वार सेवाई स्वर्गरथ बेस उपादेय जिलापाल। प्रतिवर्ष भौम एकादशी एठार आरंभ हुए भद्रक देवकुंड मेला 15 दिन धरी चले मेला एथपाई समस्त अंचल उत्सव मुखर हो उठे ए उपलक्षे पवित्र कुंड में बहु दूर दूरांतर श्रद्धालु आसी कुंड में बुड़ पका। सालंदी नदी गर्भ में दुईट कुंड रही सीता स्नान कर स्थान सीताकुंड और लक्ष्मण स्नान कर स्थान देवरकुंड एक कुंड में बहुत समय समस्त व्यवहृत जिनस नदी जल में भसाई दे वैवाहिक जीवन खुशी भरी जाए कहते स्थानीय एठारे एक राम मंदिर अच्छी जो प्रभु श्रीराम माता सीता और लक्ष्मण पूजा पाती भद्रक जिला काउपुर देवरकुंड ना प्रसिद्धि लाभ कर घरकोरणा दिनस आरंभ कर छोट पा मनोरंजन समस्त सुविधा एठार मिले भली भली सुस्वादु खाद्य मिले। कलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लॉक बंगमुंद्रा गांव में पालित होती निरा आदिवासी पर्व
भीमा देवता एवं कन्हुणी देवी बाहाघर दीर्घ 150 वर्षर परंपरा गत तीन मास तले पर्व आरंभ होता बेले तीन मास धरी प्रतिदिन गाँ देवी मंदिर में पूजार्चना करा। बुधवार समापन होइछि देवादेवी विवाह उत्सव। भीमा देवता प्रतिदिन पूजार्चना करने भीमा देवता जन्मर विवाह पर्यंत पर्यायक्रमे विधि अनुजाई समस्त प्रकार कार्य करते शेष दिन विवाह उत्सव पालन होता। भीमा खुनुकु गाँव एक पोखरी में लुचा जाता बेले खोजी बाहर करते भीमा देवता। यहां आरंभ होता विवाह उत्सव। यात्रा पड़िया भीमा और कंधुणी देवी को अणा जा रीतिनीति अनुजाई विवाह करा। समय कन्यापक्ष बरपक्ष जुगार आनी जहाँ को देखा हजार हजार लोकों जनसमागम होता।